दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय लाया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के पार्थिव शरीर को कार्यालय के बाद बोरिंग रोड स्थित आवास पर ले जाया गया। लोजपा संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी के दीघा घाट में पासवान पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके बेटे चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। कैमूर जिलाधिकारी ने भभुआ के एकता चौक पर डमी मतदान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व किया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कॉन्क्रीट में हमारे जितने भी युवा मतदाता हैं, उन लोगों से मैंने अपील किया है, और ये जो युवा मतदाता हैं 38,000 से ज़्यादा हैं, जिनको इस साल हम लोगों ने नाम दिया, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि सारे मतदाता हमारे जितने टर्नअप होते हैं मतदान में, तो हमारे जिले का जो वोटिंग है काफ़ी बढ़ गया, और इसमें हमने युवा मतदाता से अपील किया है कि सारे सुरक्षात्मक उपाय दुरुस्त रहेंगे, आप आए मतदान करें। कैमूर के भभुआ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नॉमिनेशन भी इनवैलिड बाद में किया जा सकता है या उनको इनवैलिड किया जा सकता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसलिए एक्सपेंडिचर को हम लोग स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोगों ने आपसे 5-3 दिन पहले किया था, हम लोगों ने सारा डायरेक्शन उसमें दिया है। आप अवगत हैं कि नाम निर्देशन की अंतिम तिथि आज थी और 3 बजे तक जो लोग भी आर ओ के चैम्बर में आर ओ को नॉमिनेशन लोगों ने दिया है, उन सभी लोगों को हम लोगों ने हमारे सभी आर ओ ने नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया है। जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी रानी कुमारी का नामांकन रद्द हो गया है। आपको बता दें कि लोजपा प्रत्याशी पर प्रशासन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मौके पर रानी कुमारी ने कहा कि वह इस मामले में जिला पदाधिकारी से मिलकर बात करेंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। वहीं उन्होंने दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया।